हेलो हाँ जी गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड सुबन राम राम आई वेलकम टू ओवर मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू करंट अफेयर फॉर यू पी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्जामिनेशन एंड नरेंद्र रितु अंकित रवि एंड सुमन गुड मॉर्निंग तो काफ़ी दिनों के बाद आज uh, सब लोग मिल रहे हैं सो अर्ली टू मॉर्निंग आज अपना हो गया है <laughs> इससे पहले पूरा का पूरा हफ्ता जो है इंटरव्यू uh, प्रिपरेशंस मैं लग गया था मॉक वगैरह चल रहे थे अपने सो अभी अपन स्टार्ट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग लेट मी नो इफ ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर ऑफ़ द सेशन इसमें इस uh, सीरीज़ इस में हमने uh, ट्राई किया है कि एक हफ्ते में अपन एक वीक का तो इस हफ्ते हम करेंगे मार्च 2022 के करंट अफेयर बिफोर स्टार्टिंग अबाउट मी फॉर द न्यू स्टूडेंट एम गिवन यूपीएससी इंटरव्यू थ्री टाइम्स फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम और एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है क्लास uh, का जो टाइम रहेगा वो रहेगा सिक्स टू सेवन और फाइव डेज फोर डेज अ वीक रहेगी ठीक है स्टडी मटेरियल आपको एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा साथ साथ मैंने शेयर कर दिया ठीक है यूपीएससी पी एच के जो कोर्सेज हैं जी एस का जो, है, जो ना बैच है अर्जुना बैच एंड सोशोलॉजी बैच वो एप्लीकेशन पे एक्टिव हैं जिन स्टूडेंट्स को uh, लगता है कि uh, तैयारी की आ, उसके थ्रू जरूरत है क्लासेस के थ्रू तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं तो नाउ लेट अस स्टार्ट ठीक है ओके थैंक यू सिमरन ऑडियो वीडियो क्लियर क्लियर चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं मार्च uh, 2022 20 के अपने करंट अफेयर ठीक है बाकी सिमरन uh, पर्सपेक्टिव uh, वाला चल रहा है अभी अपना uh, वो मैं दे नहीं पाया था होमवर्क वगैरह तो अब अपन किस तरीके से प्रोसीड करेंगे सेम एक बार मैं हल्का सा बता देता हूँ अपना जैसे टॉपिक वाइज अपन रखेंगे आर्ट एंड कल्चर एंड पॉलिटी ये हम रखेंगे एक सेक्शन में एक क्लास में उसके बाद अपन जैसे एनवायरमेंट है इकोनॉमी है ये नेक्स्ट क्लास में अपना हो जाएगा थ्री सेकेंड में थर्ड में अपना साइंस एंड टेक हो जाएगा ठीक है और सोशल इश्यूज वगैरह हो जाएगा और जो फोर्थ क्लास आपकी रहेगी उसमें आईआर इंटरनल सिक्योरिटी एंड जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स uh, आपके बचेंगे उनको हम करेंगे ठीक है सो नाउ स्टार्टिंग विद आर्ट एंड कल्चर लगभग लगभग सारों में अपना यही रहेगा ठीक है राहुल गुड मॉर्निंग ठीक है तो देखो आर्ट एंड कल्चर में करंट uh, के सवालों में क्या आता है कि करंट में कोई चीज न्यूज़ में है वो स्टैटिक के हिसाब से अपनी पूछी जाती है तो अब जैसे 2022 में मार्च में आपके चोरा चोरी एक्सीडेंट है इंसिडेंट uh, जो है उसके हंड्रेड uh, कंप्लीट हुए थे इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए जो हमारा नो नॉन मोमेंट जो आपका चल रहा था तो उसी के कंटेक्स में ये हमारा रहता है ठीक है तो उनको भी अपन देखेंगे स्टार्ट ओके so okay, uh, ठीक है भारती कोई नहीं उसको अपन अभी डिस्कस कर लेंगे अब रिज्यूम कर दिया है तो ठीक है एंड गुरिंग गुड मॉर्निंग भारती गुड मॉर्निंग देखो अब सबसे पहले क्योंकि गांधी जी ने जो मूवमेंट जो है वो विड्रॉ किया था वो चौरा चौरी के बाद ही किया था उनको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था इसके बाद देखिए चौरा चौरी इंसिडेंट गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश चार फरवरी उन्नीस सौ बाईस यहाँ पे ट्वेंटी टू प्लस वन ऐसा माना जाता है ट्वेंटी टू के आसपास बोले जाते हैं पुलिसमैन सॉरी तो थ्री सिविलियंस पुलिसमैन उन्होंने फायर कर दिया था तो उसके अगेंस्ट तो इन्होंने आग लगा दी थी पुलिस स्टेशन को भी और वहां पे ठीक है तो ये मेजरली हमारा रहेगा अब इसमें इतना ही दिया हुआ है मेजर पॉइंट अपना यही है कि इसके बाद आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ठीक है गांधी जी क्योंकि वो इससे स्ट्रिक्टली रहते थे उन्होंने इसको विदड्रॉ कर लिया था अच्छा एक बताइए एक हमने इससे पहले देखा था हिमालयन ब्लंडर Uh, किस इंसिडेंट को बोला जाता है हिमालयन ब्लेंडर गांधी जी के कंटेक्स्ट में बताओ शुभम गुड मॉर्निंग देखो अगली जो न्यूज़ है आई एम वेटिंग सेकंड वो है अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्योंकि जनवरी में आपकी न्यूज थी तो एक आधा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है इसमें कई बार तो जनवरी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी टू सुभाष चंद्र बोस जी की आपकी बर्थ एनिवर्सरी हम मनाते हैं तो वन ट्वेंटी फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कि भाई इनका जन्म कहाँ हुआ तो ये कटक उड़ीसा सेवन में इनका जन्म हुआ था एंड ही ऑल्सो क्वालिफाइड इंडियन सिविल सर्विसेज को कम्पीट करने के लिए इंग्लैंड गए थे उन्नीस सौ बीस में ये एग्जाम में अपीयर हुए थे एंड ही केम

Uh, इन्होंने जैसे सिविल सर्विसेज आपकी 1921 में ही ठीक है छोड़ दी थी इनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं वो है देशबंधु चित्रंजन दास सी आर दास जो हमारे माने जाते हैं जैसे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु इनके पॉलिटिकल गुरु ये आपको ध्यान रखने हैं अब ये uh, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बट इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि 1938 1939 1938 में हरिपुरा सेशन में इनको प्रेसिडेंट आपका इलेक्ट किया गया था 1938 में ही इन्होंने एनपीसी नेशनल प्लानिंग कमिटी आपके कॉन्स्टिट्यूट करी थी एंड इन्होंने सेटअप करी थी एनपीसी के आपके चेयरमैन थे वो आपके नेहरू बनाए गए थे ठीक है ये चीज ध्यान रखेंगे नेक्स्ट नाइनटीन में भी इन्होंने त्रिपुरी सेशन में फिर से प्रेजिडेंट बन गए थे बट गांधी जी को थोड़ा सा जैसे इनके कम्युनिस्ट आइडियाज जो होते थे तो उनको वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस में उतने वो आइडिया फैले तो वो उनको नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट बने वो चाहते थे सुभाष चंद्र बोस अः को हाउस अरेस्ट में उससे पहले कर रखा था तो ये अपने घर से भाग के फिर आ, जर्मनी पहुंचे थे वाया अफगानिस्तान और लेटर ऑन यहाँ पे एक हमारा ये भी आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक ये यहाँ पे मिसिंग इन्फॉर्मेशन है तो कांग्रेस से न, आ, निकल के इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया था ये भी चीज ध्यान रखनी है ठीक है नेक्स्ट <coughs> सिंगापुर में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था आईएनए को इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फोर्स को आईएनए का हेड क्वार्टर बाद में 1944 में आ, रंगून भी आ, शिफ्ट किया गया था ये चीज है एंड जैसे 1944 में जब जापान बर्मा बॉर्डर तो वहां पे लड़ाई भी इन्होंने लड़ी थी तो ये लेके आए थे आईएनए की फोर्सेस को यहां पे ये चीज है एंड लास्ट जब ताइवान फोरमोसा स्ट्रेट से इनका प्लेन जा रहा था ठीक है तो वहां पे वो प्लेन क्रैश हुआ था 1945 में तब हाँ सॉरी ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे बोस जी की डेथ हो गई ठीक है सॉरी ओके यस अनुराग प्रणाम ठीक है रेडिकल आइडियाज राइट ओके देखिए अब ये है ये इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी है सारे के सारी जो भी इंपॉर्टेंट हमारे लीडर्स हैं उनका सारा ध्यान रखना है अब जैसे नेक्स्ट न्यूज़ है कथकली डांसर मिस मिलेना सलवानी पास पास डोवे तो ये इटली बोर्न डांसर थी इनके बारे में तो हल्का-फुल्का बाकी मेजरली uh, हमें कथकली के बारे में पता होना चाहिए देखिए जितने भी हमारे क्लासिकल डांसेस हैं वो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनकी 4 टू 5 इम्पॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है कहाँ पे वो करा जाता है क्या उससे रिगार्डिंग यूनिक है मेल ही करते हैं क्या फीमेल करते हैं क्या ड्रामा एसोसिएटेड है क्या ठीक है किस चीज को वो हमारा रखते हैं उस हिसाब से ठीक है देखिए अब मिलेना जो सलवानी है तो अब इन्हीं के एफर्ट से अब ये तो सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है कि नाइनटीन ये ज्यादा अपने को नहीं देखना मेन पॉइंट इज कि इन्हीं के एफर्ट से यूनेस्को रिकोगनाइज ठीक है कोडियट्टम एज एंशियंट आर्ट फॉर्म एंड इंक्लूडेड इट इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन मई 2001 इनको पद्मश्री मिला था 2019 में ठीक है तो अब कोडियटम और ये सारे के सारे जैसे आ, ये इसमें आएगा देखिए कथकली को क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया था बेसिकली तो कथकली इज अ डांस फॉर्म ठीक है पॉपुलर टुडे अब ये पहला तो के कथकली केरला ठीक है एक हमारा आता है कथक देखो कथक अलग है कथकली अलग है कथक इज आपका रिलेटेड टू हमारा नदन रीजन ठीक है मुगल्स के टाइम पे इनको काफी फेमस हुआ था तो वहां पे कथा से रिलेटेड है स्टोरी को वो कर रहे होते हैं कथकली देखिए आपके सदन रीजन एंशियंट टाइम से ही तो यहाँ पे हाँ चकियार कोथू कोडियट्टम कृष्णट्टम रामनट्टम ये आर्ट फॉर्म है केरला की दे हैव तो कहीं कही आप ध्यान रखेंगे किससे रिलेटेड है हमारे तीन सौ है, है? साल पहले केरला में आपका ओरिजिनेट हुआ था डांस म्यूजिक एक्टिंग ड्रामा सब कुछ यहाँ पे चलता रहता है काफी इलेबोरेटेड हमारे यहाँ पे हस्त मुद्रा फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो काफी रहते हैं इसमें भी आप देख पा रहे हैं ठीक है एंड इसमें देखो जो ज्यादा यूनिक चीजें हैं वो क्या है हमारा एक तो है कीर्तम एक ऑर्नामेंटल हेडगेयर जो होता है ये जो है आपका ये कीर्तम के नाम से जाना जाता है कंचुकम ये जैकेट्स होती हैं एक लॉन्ग स्कर्ट होती है थिक पैडिंग कुशंस ताकि वो चारों तरफ ऐसा बड़ा बड़ा सा लगता है तो वो चीज हमें ठीक है तो ये मेजरली इसमें रहेगा अब इसमें देखिए मेकअप वगैरह किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करे जाते हैं ये भी आप ध्यान में रखें मोहिनी अट्टम ठीक है कथकली तो ये सारे के सारे हमारे ऊपर यूपी हाँ यूपी के कांटेक्स्ट में रहेगा यस गुरलीन बैटल ऑफ इम्फाल वो हमारा सुभाष चंद्र बोस 1944 वाला ठीक है वेरी गुड सॉरी टेलर ओके तो ये हमारे हैं नेक्स्ट जैसे सेक्रेट असेंबल्स ऑफ द होशाला टेंपल्स अब टेंपल आर्किटेक्चर डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाती है नदन वाली जिसमें हमारे आ, जैसे 1 सेकंड जैसे पंचायतन जो आपका आता है ठीक है नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और जो हमारा साउथ वाला रहता है द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन दोनों के बीच का ठीक है

आ, होशाला किंगडम तो दे बिल्ड मोर देन फिफ्टीन हंड्रेड टेम्पल विच ओनली अभी सिर्फ सो ही आपके सर्वाइव कर पा रहे हैं तो इसमें एक हमारा होशालेश्वर टेम्पल जो शैविज्म से रिलेटेड है पर इसमें थीम्स में जैसे वैश्विज्म जैनिज्म ये भी इंक्लूडेड है ठीक है तो सेकुलरिज्म के कंटेक्स में भी हम इसका एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो तो कोट कर सकते हो ठीक है द पॉइंट इज इट इज हाइब्रिड हाइब्रिड ऑफ नगरा नगरा हमारा है नॉर्थ का एंड द्रविडा द्रविड़ा हमारा है साउथ का अब इसमें एक और ये चीज बहुत यूनिक है स्टार प्लान और प्लेटफॉर्म ठीक है तो स्टार शेप्ड में होते हैं अब जैसे नगरा और वैशहरा वाले जो सॉरी नगरा और द्रविडा उनके जो हैं वो पन्ने शायद जनवरी वाले में देखे भी थे कि भाई कौन सा जमीन पे रहेगा कौन सा प्लेटफॉर्म पे रहेगा तो जैसे हिंदी मूवीज में दिखाया जाता है ना वो चढ़ के जाते हैं तो अपने जो नॉर्थ वाले रहेंगे वो हमारे प्लेटफॉर्म पे होता है और जो हमारे साउथ वाले हैं उनको जमीन पे बनाया जाता है उनके इलेबोरेटेड एंट्रेंसेस होते हैं बहुत बड़े बड़े ठीक है गोपुरम बहुत बड़ा होता है अंदर जो आपका ग्रभ ग्रह है वो भी बहुत बड़ा होता है मंडप्स होते हैं टेम्पल में टैंक होता है प्योरिटी और उसके लिए जबकि ये सब आपके नॉर्थ में नहीं पाए जाते ठीक है ठेके? तो ये एक मिक्सचर सा है अलग अलग जगह पे यहाँ पे मिलता है ठीक है यहाँ पे देखिए नवरंगा एक टर्म आती है नवरंगा इट इज वॉज यूजुअली इंक्लूडेड एज अ प्लेस जहां पे लोग गैदर होते थे तो पार्टिसिपेट इन द कल्चरल सच म्यूजिक एंड डांस जैसे आपके एनसीआर में भी दिया हुआ है महानवमी महानवमी डब्बा ठीक है ऐसे ही कल्याण मंडपम विजयनगरा के कंटेक्स में हमारे आते हैं कल्याण मंडपम जहाँ पे आपकी मैरेजेस वगैरह कल्याणिस मैरिज से रिलेटेड तो ये चीज ध्यान रखेंगे ठीक है बाकी इलैबोरेटेड है डेकोरेटेड है स्टोन स्कल्पचर्स कार्विंग ये सारा का सारा तो कॉमन रहेगा इसके अलग-अलग जो टेंपल्स हैं उनके अगर अपन एग्जांपल देखें जैसे कि बेलूर ठीक है इट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ होशाला ये भी याद रखेंगे देखिए चेरा चोला पांड्यास होशाला पल्लवास चालुक्यास सिक्स सेवन किंगडम्स हैं हमारे साउथ इंडियन हिस्ट्री के जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए इनकी कैपिटल आपको पता होना चाहिए एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए और आ, कुछ जो मेजर आर्किटेक्चर जो इन्होंने बनवाया है वो भी हमें पता होना चाहिए तो ऐसे ही इनका जो टेम्पल है चिनकेश्वरा टेम्पल ये है यांगची रिवर पे आपका बना हुआ है ओके okay? एंड ये टेम्पल 103 साल इसको लगे थे टू कंप्लीट ऐसे एंड अगर अपन देखें लॉर्ड विष्णु को ये डेडिकेटेड है थोड़ा थोड़ा देखो लॉर्ड विष्णु मिलेंगे या लॉर्ड आपके आ, शिव मिलते हैं ठीक है शिवा या विष्णु के ही हमारे टेम्पल्स होते हैं तो उनके हिसाब से हल्का फुल्का सा आपका डिफ्रेंसिएशन एक टेबुलर फॉर्म में तैयार रहना चाहिए कि कौन सा किसका था यहाँ से थोड़ा सा बन सकता है ठीक है और कुछ लॉर्ड शिवा का भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है ऐसे ही हेलेब्रिड यहाँ पे भी आ, बहुत सारे टेम्पल्स आपके पाए जाते हैं कैपिटल जो है बेलूर से हेलीबिड शिफ्ट करी गई थी एंड उस टाइम पे इसको दूर समुद्र ठीक है फार समुद्र इस हिसाब से दूर समुद्र के नाम से आपका जाना जाता था है, है? बहुत सारे अटैक हुए न्यूमरस अटैक नदर इनवेडर्स के ऑफ डेल्ही सल्तनेत ठीक है, वो इन ठीक है? अब मुझे ये बताइए इसके बाद एक सवाल पूछता हूं इसमें जो हमारा होशलेश्वरा टेंपल है ठीक है होशाला आर्ट का एट हेलेबेडू सबसे ज्यादा एग्जांपलरी यही माना जाता है 1121 में ये बना था होशाला किंग विष्णुवर्धन होशलेश्वर ठीक है ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना होशलेश्वरा ओके एंड हेलीबेड जो है हैड अ वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग ऑफ थ्री जैन भसडीज ऑफ होशाला पीरियड एज वेल एज अ वॉल देखो अपन ऊपर देख रहे थे जैन वाला तो ये टर्म याद रखनी है ठीक है बी ए एस ए डी आई दीज आर जैन लर्निंग सेंटर्स टेम्पल फॉर्म में रहते थे तो बस डी आपको ध्यान में रखना है जैन लर्निंग तो ये भी यहाँ पे आपके पाए जाते हैं डायरेक्टली सिंगल लाइन क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है पर्टिकुलर चीज ठीक है तो इस हिसाब से हमारे यूपीएससी में पूछा जा सकता है तो ये हमारे हो जाएंगे ठीक है ऑल्सो इसमें एक और है केदारेश्वरा टेम्पल ये हमारा शिव जी का है ठीक है अलोंग विद टेम्पल ये uh, शायद इन्हीं के फोटो वगैरह डाल रखे हैं द नियर बाय केशवा टेम्पल इन सोमनाथपुरम इसको भी यूनेस्को के लिए आपका प्रपोज किया गया है तो ये कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे मेरा सवाल आपसे ये था कि विजयनगर एम्पायर ओके okay, uh, कब आपका एस्टेब्लिश हुआ कब से कब तक ठीक है ईयर बताओ मेरे को दिस टू दिस 1336 हरिहर बुक का तेरह से लेकर कब तक देखो नेक्स्ट था हमारा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी अब ये सवाल आपका पूछा गया था आई थिंक यूपीएससी में ही पूछा गया था 2022 में हमारा आया था क्योंकि उस टाइम पे ये न्यूज में ही चल रहा था देखिए प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किया था स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यूनिटी तो अपने को पता ही है जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला है तो उनके कंटेक्स में रहता है एंड ये आपका है स्टैचू इक्वालिटी हैदराबाद में ये इलेवंथ सेंचुरी के हमारे जो भक्ति संत थे श्री रामानुजाचार्य उनके लिए थी दो सौ सोलह फिट की टॉल आपकी स्टैचू है लेटे हुए वो बनाए गए हैं तो स्टैचू के बारे में देख लेते हैं दो सौ सोलह फिट फोर्टी एक्र्ड आउटस्कर्ट ऑफ हैदराबाद फिफ्टी फोर फिट का बेस है जिसको भद्रा वेदी आपका बोला गया है उसपे ये आपकी स्टैचू बनाई गई है इसपे अलग अलग देखो बिल्डिंग में फ्लोर्स हैं जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्च सेंटर थिएटर एजुकेशनल गैलरी ये सारे के सारे डेडिकेट करी गई है द स्टैचू इज मेड अप ऑफ पंच लोहा पंच इज फाइव तो फाइव मेटल्स इसमें यूज करे गए हैं गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रास एंड जिंक ये टोलेस्ट सिटिंग पोजिशन की स्टैचू मानी गई है ठीक है टोलेस्ट स्टैंडिंग भी हमारे पास है टोलेस्ट सिटिंग भी हमारे पास है, ठीक है तो ये चीज ध्यान रखेंगे अब इसमें सवाल यह आया था रामानुजा की फिलोसफी के बारे में जैसे अपन ने क्या दिया था एस आर एम सरम वाला जो अपन ने किया था ना ये भाई द्वैत विशिष्ट अद्वित्य विशिष्ट अद्वित्य एंड द्वितीय ठीक है तो शंकराचार्य उनकी अद्वितीय फिलोसफी थी रामानुजाचार्य की थी विशिष्ट अद्वैत तो विशिष्ट अद्वैत पे इन्होंने था तो श्री इनका जन्म हुआ है श्री पेरमबतूर तमिलनाडु एक हजार सत्रह में रिफॉर्मिस्ट सारा का सारा जो भी लोगों को उजागर करना और ये सब वो सब काची में ही स्टार्ट स्टडिंग दाद फिलोसफी अंडर द गाइडेंस ऑफ यादव प्रकाश अब इनका जो अगर अपन कंट्रीब्यूशन देखें हमें ध्यान रखना है पहला तो विशिष्ट अद्वित्य देखिए इसमें फर्क क्या फिलोसोफी क्या कहती है कि एवरीथिंग इज वन ठीक है यूनिवर्स भी और मैं भी आप भी सब हम एक ही एंटिटी हैं ठीक है इज नो डिफरेंस जबकि जो माधवाचार्य की है वो क्या कहती है कि आप अलग हैं और जो यूनिवर्सल एंटिटी जो हम गोड के कंटेक्स में भी बात करते हैं वो एक सेपरेट एंटिटी है विशिष्ट एद्वित कहती है कि ये एक भी है और डिस्टिंक्ट भी है ठीक है फर्क भी है पर एक भी है तो वो बीच का अपना प्रोग्राम हो जाता है तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है देखिए द कम्युनिटी ऑफ द हैज बीन फॉलोइंग हिज पाथ इनको बोला जाता है वेदांता ओके okay? तो ये हमारे रहते हैं तो इन्होंने बाकी सारा का सारा ये रहेगा यूनिवर्सल ब्रदरहुड कंपैशन ठीक है इनके बारे में बात करी ऑप्रेस्ड जो हमारे कम्युनिटी uh, के सेक्शन होते हैं उनके बारे में भी इन्होंने काफी काम किया कि, ठीक है इस डिलाइटेड ग्रु जो थे उन्होंने इनको ओनर किया था विद द टाइटल एम पेरुम अन्नार एम पेरुम कि यू आर हेड ऑफ अस ठीक है आप हमसे आगे हैं इस हिसाब से हल्का फुल्का एंड रामानुजाचार्य ही रोट नाइन स्क्रिप्चर्स जिनको नवरत्ना भी आपका माना जाता है वैदिक स्क्रिप्चर्स पे बहुत सारी कमेंट्री इन्होंने लिखी ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इन द प्रोपेशन ऑफ वासुदेव कुटुम्बकम की जो फिलोसफी है कि यूनिवर्स इज

कितनी हसल थर्टीन ईयर्स में इन्होंने करी ठीक है 1972 इनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर भी uh, दिया गया था फॉर फिल्म परिचय के लिए फिर इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था ये चीज आप ध्यान रखेंगे लता मंगेशकर जी के बारे में ठीक है नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्वालिटी एंड गवर्नेंस थोड़ी थोड़ी ठंड

ठीक है थैंक यू सिमरन देखो अब यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ जो आपकी स्कीम्स वगैरह है ना वो थोड़ी सी ओवरलैप आपको मिल जाएंगी तीन सौ दस ठीक ओके ठीक है भारती वेरी गुड देखो अब बीच बीच में स्कीम्स आएंगी तो उनको अपन उसी हिसाब से देख लेंगे देखिए पहला आ रहा है समग्र शिक्षा अभियान अब नाम में क्या है समग्र ये सबका इंक्लूसिव ही आपका इंक्लूड करेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी ठीक है ह्यूमन रिसोर्स हैज लॉन्च्ड अभी के हिसाब से आपका इंटीग्रेटेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हल्का फुल्का था देखो स्पॉन्सर और सेक्टर में उतना मत करना एक अपनी लिस्ट बना के रखनी है जिसमें सेक्टर सेक्टर तो कौन कौन सी है स्पॉन्सर वाली बाकी जो बचेंगे उसको अपन स्पॉन्सर में ही लेके चलेंगे ठीक है तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है फॉर स्कूल एजुकेशन समग्री एस डीजी फोर के कंटेक्स में तो एस डी जी जो सत्रह के सत्रह है वो आपको ध्यान रहना चाहिए वन टू

इसमें इसको अलाइन किया गया है जैसे आर टी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो हमारा है उसमें भी सपोर्ट करेंगे स्टेट्स को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फाउंडेशनल लिटरेसीबरेसी ये कॉमन चीजें होती है जब भी किसी स्कीम को तैयार कर रहे हो तो इन कॉमन चीजों को पढ़ो बट उस पर फोकस नहीं करना होता फोकस करने के लिए कुछ यूनिक चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है ठीक है नाउ दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन जैसे कि सोशल एंड जेंडर गैप जो है उसको आपको कम करना है ये वर्क करेगा ऑन स्ट्रेंथनिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ जो हमारा जैसे एनसीआर है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च तो एस इसको भी करेगा डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये टीचर एजुकेशन के लिए हमारे होते हैं इनको भी ये करेगा ठीक है फाइनेंशियल असिस्टेंस आपकी स्टेट और यूटीज को यहाँ पे दी जाएगी तो ये हमारा मोटा मोटा समग्र शिक्षा अभियान के कंटेक्स में हो जाएगा ठीक है ओके अंकित यस वेरी गुड कन्फर्म्ड हाँ मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्प्रेरी के आसपास आसपास चल रहे थे yes. अगला देखो इंट्रोड्यूसिंग uh, मिलेट्स इन मिड डे के जैसे मिलेट 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 हमारा ईयर ऑफ है तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि प्री और में आपसे आप के के काफी स्टूडेंट से पूछा जा रहा uh, है वो क्या हैं किस तरीके से हैं ठीक है तो उनके क्या फायदे हैं उनको किस क्यों हम uh, उतना नहीं अपना आ रहे ठीक है उनको उतना मॉनिटरी भी क्यों बेनिफिट नहीं होता ठीक है मतलब सस्ती क्यों रहती है ये सारी चीज़ें नाउ द पॉइंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है स्टेट एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मिलेट्स अंडर पोषण स्कीम स्कीम जो हमारी मिड डे मील थी उसमें वंस इन अ अमंगस टू कंडक्ट अ कुकिंग कंपटीशन अमंग कुक कम हेल्पर्स टू पॉपुलराइज मिलेट तो ये जनरल सा है तो यहाँ पे देखिए जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ऑन मिलेट्स फ्रॉम उड़ीसा तेलंगाना कर्नाटका उनको शेयर किया जाएगा

आ, आपका फूड है क्रॉप हाईली टॉलरेंट है रेनफेड आराम से हो हो जाती है है ठीक एरिड एरिड सेमी रीजन में अपने मिलेट्स ही जाते हैं जवहर बाजरा ठीक है तो ये सारे के सारे हमारे रहते हैं आ, तो इसके एग्जाम्पल देखिए सोरगम पर मिलेट फिंगर मिलेट फॉक्सटेल लिटिल कोडो परसो ठीक है वट कुछ माइनर मिलेट्स रहेंगे ये और मेजर मिलेट्स तो आप ये ध्यान रखेंगे ठीक है सोरगम पर्ल मिलेट फिंगर मिलेट आपके मेजर हो गए हैं और फॉक्सटेल लिटिल कोडो पोर्सो मिलेट आपके माइनर मिलेट हो गए हैं ज्यादातर जो हमारे मिलेट हैं वो इंडिया के नेटिव ही है और इनको फेमसली हम न्यूट्री सीरियल्स के नाम से भी जानते हैं जो आपने बार बार सुना होगा न्यूट्री सीरियल्स इनकी सबसे अच्छी चीज क्या है कि ग्लूटेन फ्री है फ्री है और एलर्जी नहीं होती ठीक है जैसे वीट में कई बार जैसे ग्लूटेन और उसकी वजह से कई बार एलर्जी आपको देखने को मिल जाती है यहां पर ऐसा नहीं होगा ठीक है मिलेट लंच अब आ, पहले हम बाजरा भी खाते थे तो अब तो काफ़ी चीज़ें कम हो गई बट थोड़ा थोड़ा तो रहता ही अभी भी तो ठीक है खाते हैं गांव में तो खाते ही हैं वो चीज़ें न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं नेक्स्ट इसी में ही क्योंकि पोषण अभियान है तो नेशनल स्कीम फॉर पी पोषण इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए जो अभी रिसेंटली इसमें जो चल रहा था वो था कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर है उन्होंने इसके कंटिन्यूशन को अप्रूव किया था फॉर द फाइव ईयर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स के लिए पी एम पोषण तो इसमें विल प्रोवाइड वन हॉट कुक्ड इन गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड एडेड तो 2025 तक इसको एक्सटेंड किया गया है ठीक मिड डे मील का ही पीएम पोषण के नाम से अब हो गया है. है, 1 8 को इसमें हमने इंक्लूड कर रखा है बैकग्राउंड में अगर देखें मिड डे मील वॉज ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर अभी फिर से इसका नाम एच uh, कर दिया गया है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नाइनटीन ठीक है 1995 में सबसे पहले लॉन्च करी गई थी तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट जो मिडे मिल्क को आपका लेके आया ठीक है फिर नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि कवरेज अंडर ड्रिप एंड माइक्रो इरिगेशन तो इसके रिगार्डिंग अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ये इंप्लीमेंट कर रहा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का तो पर्ड्रोप मोरक्रोप हमारा माइक्रो इरिगेशन पे आपका ज्यादा फोकस है अब देखो माइक्रो में क्योंकि पानी आपका बचेगा इसमें जनरली हमारा जैसे ड्रिप इरिगेशन जिसको अपन टपक ठीक है सिंचाई के नाम से जानते हैं टकटक -टक ऐसे आता है ठीक है या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन जो हम फवारे यूज करते हैं वो इसमें रहेगा तो इसमें इन्होंने एक माइक्रो इरीगेशन फंड बनाया है विद नबार्ड जो फाइनेंस करेगा माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट तो ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि यूनिकली जो भी हमारे फंड्स वगैरह जो बनाए जाते हैं स्पेशल उनको आपका पूछ लिया जाता है ठीक है इन एडिशन आई इसी की जो ट्रेनिंग वगैरह है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वो ट्रेनिंग फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह थ्रू किसान विज्ञान केंद्र आपका ऑर्गेनाइज कराएगा फार्मर्स वगैरह को एजुकेट करेंगे कैसे इसको यूटिलाइज करना है, things, ठीक है? ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और क्योंकि ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर है थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं 2015 में आपकी लॉन्च करेगी थी हर खेत को पानी ठीक है एवरी फील्ड को अपन पानी पहुंचाना चाहते हैं उसी के हिसाब से सारा कॉमन फोकस रहेगा कि भाई हाँ जो रेन वाटर है उसको कैसे हार्नेस करना है माइक्रो लेवल पे जल ठीक है एंड जल सिंचन संचय संचय इज कंजर्वेशन सिंचन इज इरिगेशन तो उससे दोनों को कैसे लिंक

होती है। बताओ क्या नाम है ये अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर हमारे देखे जाते हैं हल्का फुल्का ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है देखो कुछ चीजें होती हैं, थोड़ा सा ज्यादा डीप में जाने के बाद कई मतलब उतना याद नहीं रहती और वो सब तो उसको हिसाब से ध्यान रखें ठीके?

तो अब इसमें जो तीन है आपके कॉम्पोनेंट जैसे एक्सेलरेटेड वाला जो है एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट ये आपका है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स ठीक है तो इसको इन्होंने दिया है कॉम्पोनेंट टू ठीक है वेरियस uh, मिनिस्ट्रीज के पास है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजोनेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति फिर हमारा जो लैंड रिसोर्स है वाटर शेड डेवलपमेंट ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास रहेगा ऐसे ही थर्ड जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास है ये तीनों के अलग अलग है जो वाटर शेड है वो आपका रूरल के पास है पर ड्रॉप एग्रीकल्चर के पास है और एक्सेलरेटेड वाला हमारा आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के पास ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अब इन्होंने 2015 से लेकर उन्नीस तक तो करी थी अब फिर से एक्सटेंशन हो गया है ठीक है छब्बीस तक ये आपका कर दिया गया है ये चीज ध्यान रखनी है।, है।, है? है क्योंकि अब ये तीनों हैं अलग अलग में हैं तो यहां से पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है ठीक है जहां पे मतलब गड्ढे ये अपने यूपीएससी के गड्ढे होते हैं जहां पे या तो इस टाइप से कंफ्यूजन हो <coughs> या फिर कोई यूनिक सा नाम हो तो वो यूनिक सा नाम आपसे पूछा जाएगा ठीक फिर नेक्स्ट हमारा था फिफ्थ पचासवा स्टेट हुड ऑफ त्रिपुरा एंड मणिपुर आपका बनाया गया था अब इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह दे रखी हल्का फुल्का देख लेते हैं नॉट मच इम्पोर्टेंट देखिए फॉर्मर प्रिंसली स्टेट तिरुपुरा इसको महाराजा ऑफ मनिकया डायनेस्टी एक तो हल्का सा ये ध्यान रखेंगे डायनेस्टी इनसे ब्रिटिश रूल इसीलिए काफी इंडिपेंडेंट यूनिट होती थी तो वो चाहते ही नहीं थे कि इंडिया जब हुआ है, तो हम उसके कंटेक्स में इसको वो याद रखें मतलब जैसे दोबारा से ज्वाइन होना है नहीं होना ठीक है तो वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट ही रहे इसीलिए ज्यादा वो रहता था तो अब इसमें जैसे देखिए

एक शुरू में ये शुरू में एक ही डिस्ट्रिक्ट होती थी बाद में आठ नौ डिस्ट्रिक्ट इसमें बना दी हल्का फुल्का ठीक है ठेके? और इसके ये फैक्ट ध्यान रखना देखो पूछा जाने की संभावना इनकी ज्यादा रहती है कि इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ टच करता है क्या टच करता है ठीक है बॉर्डर में देखिए इट इट इज बॉर्डर टू द नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ बाय बांग्लादेश ठीक है नामी और त्रिपुरा हमारा यहाँ पे कोने में होता है तो तीनों तरफ से ये बांग्लादेश से ही आपका घिरा हुआ रहता है अगरतला इसकी कैपिटल है ऑफिशियल लैंग्वेज में बंगाली कॉक इंग्लिश ये माने जाते हैं अदर लैंग्वेज मूग चकमा ठीक है गारो गारो कैसी जयंती हमारी जैसे वैसे मेघालय की है तो उसके हिसाब से रहेगा ठीक है ये लिटरेसी रेट देखिए नॉर्थ ईस्ट में बहुत हाई है आपका नाइनटी सिक्स अभी तो ये पुरानी है दो हजार ग्यारह ठीक है अब तो नाइनटी एट के आसपास भी पहुंच गया होगा उसके अलावा यहाँ पे नेचुरल गैस रबर टी मेडिसिनल प्लांटेशन भी काफी रहता है राइस इज द मेजर ये त्रिपुरा के बारे में थोड़ी थोड़ी सी अपने को ध्यान रखनी है ऐसे ही मणिपुर देखिए मणिपुर में ये के बिल्कुल नीचे हमारा, मा, रहेंगे ठीक है अरुणाचल नागालैंड मणिपुर मिजोरम मणिपुर में मणिपुरी हिल्स वहां पे फेमसली एक हमारी कौन सी लेक आती है लोकताक लेक वो भी आपको ध्यान में रखनी है ठीक है जिसमें शंघाई डियर्स हमारे आते हैं ठीक है इसमें देखिए इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री 352 किलोमीटर की ये किसके साथ है म्यांमार के साथ अब ये वाला मैप देखो ये है म्यांमार ये है मिजोरम मणिपुर ठीक है नागालैंड ये त्रिपुरा ये बांग्लादेश के साथ तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है ठीक है तो इसमें ज्योग्राफिकली दो रीजन माने जाते हैं देखो मणिपुर में एक हिली स्टेट है एक आपका प्लेन वैली वाला रहता है वैली लाइज इन देंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट एंड द हिल्स अराउंड द वैली तो यहां पे जो हमारे किंग होते थे पम हाइबा जनरली नोन बाय हिज अदर नेम गरी बनीवाज ठीक है गरीब निवास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्र ऑफ मणिपुर प्रिंसली स्टेट होता था अंडर द ब्रिटिश रूल 1891 से ठीक है तो ये चीज ध्यान रखें तो ये कब डे मनाया जाता है कब मनाया जाता है ये उतना अपने काम का नहीं है ठीक है और फिर बाद में जो हमारा फोर्टीन अप्रैल 1944 जो आपका आ रहा था बैटल ऑफ इम्फॉल ठीक है तो वो हमारा इधर ही था तो सुभाष चंद्र बोस ने उसको लेड किया था ये चीज ध्यान दैट्स इट यस नरेश ठीक है संजीव गुड मॉर्निंग एंड डेरा की तरफ से भी गुड मॉर्निंग ठीक है ओके okay. अगली न्यूज है ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट फॉर पीडीएस पीडीएस के बारे में हमें पता है टीपीडीएस टारगेटेड पीडीएस हमारा रहेगा अब इसकी ऑनलाइन सारी की सारी मैनेजमेंट कहा जा रहा है सिस्टम ठीक है पे कितना लीकेज तो नहीं हो रही है जितना भेजा था उतना तो पहुंच रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ठीक है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तो विद्स प्रिंसिपल एजेंसी एस सी आई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किया है ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन so, जिसमें सारा का सारा आपको पता चल जाएगा की ग्रेन्स कहाँ पे स्टोर है ठीक है क्या इंटीग्रेटेड स्टेट पोर्टल के साथ भी इसको कर दिया जाएगा तो इट विल बी ओ एस ठीक है ओ क्या हो गया हमारा ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट ये आपका सारा का सारा कैप्चर uh, करेगा uh, the minimum storage specifications, ठीक है कहाँ पे स्टोर करना है कितना स्टोर करना है वो सारी इंफॉर्मेशन इसके पास रहेगी इट विल हेल्प इन रूट ऑप्टिमाइजेशन फॉर वेल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है कहीं गलत तो नहीं भेज रहे हो या आ, सही तरीके से कहाँ जाना है वो तो काफी स्टेट्स ने इसमें डेवलप कर लिया अब तो और ज्यादा बढ़ गए होंगे ठीक है तो इन्होंने मार्च 2022 तक इसको कंप्लीट करने का भी बोला था बेसिकली जो मुद्दा है वो लीकेजेस वगैरह को अपने को कम करना है ये चीज ध्यान रखनी है है ठीक दैट्स इट हल्का फुल्का सा ज्यादा कुछ नहीं नॉट सो मच रखेंटेंट ऐसे ही विजन डॉक्यूमेंट आपका लॉन्च किया गया फॉर द इलेक्ट्रिकल सेक्टर विजन डॉक्यूमेंट इंपोर्टेंट नहीं है ये मेन्स में हल्का फुल्का हमारे बोलने के लिए हो जाते हैं कि फाइव ईयर रोड मैप हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का थ्री हंड्रेड बिलियन सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक मैनुफेक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट बाई दो अब तो सी अब तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बट फिर भी देखते हैं कि क्या हो पाएगा द रिपोर्ट्स प्रोवाइड्सर वाइज ब्रेकअप एंड द प्रोडक्शन प्रोजेक्शन फॉर द वेरियस प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक में जैसे मोबाइल फोन आई टी हार्डवेयर ठीक है टीवी ऑडियो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेट्स एल ईडी वेरेबल हेडवेयर ठीक है टेलीकॉम ये सारे के सारे इंडिया बना के एक्सपोर्ट करना चाहता है तो इन्होंने एक टारगेट रखा है सिंपल सा बस ध्यान रखेंगे ज्यादा कुछ नहीं ठीक है तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है अप्रोक्सीमेटली फोर्टी परसेंट मोबाइल ही इसकी ग्रोथ में आपका रहेगा पार्टिसिपेट ठीक है बाकी कुछ ये इतना है नहीं वी विल लीव इट ज्यादा फोकस नहीं करना नेक्स्ट इज देखिए ट्वेल्थ नेशनल वोटर डे अब ये हमारा जनवरी में मनाया गया जनवरी ट्वेंटी फिफ्थ एक तो आपको डेट याद रखनी है ठीक है वोटर एजुकेशन के कंटेक्स में पच्चीस जनवरी जैसे उन्नीस सौ पचास फाउंडेशन डे था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये आप ध्यान रखेंगे ठीक है जैसे देखो छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास हमारा रिपब्लिक डे अब मुझे ये बताओ कि चौबीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को हमने क्या क्या चीजें अडोप्ट करी थी दो दिन पहले उसमें से फिर एक दिन पहले आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बनाया है पच्चीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को चौबीस का ध्यान रखना है और बाईस जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन का हमें याद रखना है जिसमें अपन ने नेशनल फ्लैग लिया था ठीक है फ्लैग तो मैंने बता दिया है युवा दिवस एंड वोटर डे बारह एंड पच्चीस एजुकेशन पे ये फोकस करना चाहते हैं ज्यादा कुछ नहीं है इसमें इतनी ही ट्रिविया हमारे काम की है तो एंड इसी आई पब्लिकेशन लीप ऑफ फेथ जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन यहाँ पे पब्लिश करेगी थी लॉन्च किया गया था हमारे लिए काम का है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि आपका स्ट्रेटिक का पोर्शन बन जाएगा

कराता है। देखो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम जाते हैं तो आप कहा जाएंगे हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट, जिस या मतलब उस स्टेट के कंटेक्स में नाउ इफ यू लुक एट दिन तो हमारे पास वन इलेक्शन कमिश्नर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस दो आपके इलेक्शन कमिश्नर है तीन आपके माने जाते हैं ठीक है इनको अपॉइंट कौन करता है प्रेसिडेंट थ्री मेंबर बॉडी है जो आपका सीई सी है इसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं हम कह सकते हैं कि रिमूवल में थोड़ा सा रहता है कि आपका जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह ही रिमूव किया जाता है बट बाकियों को हटा सकते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ आपका सीई सी तो इनका सिक्योरिटी ऑफ टेनर ऐसे बी तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह रहेगा सिक्स और सिक्सटी फाइव या तो छह साल या फिर पैसठ साल तक के ये रहेंगे मजे की बात यह है कि हमारे संविधान में क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं बता रखी कि भाई इलेक्शन कमिश्नर कौन रहेगा कैसे रहेगा कोई कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रखी इसीलिए हम बार, बार बार बात करते हैं कि अगर मान लो कंपोजिशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है ठीक है बेटर तरीके से तो वो हमारा इसीलिए रहता है कुछ भी नहीं हमने बता रखा लीगल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल क्या क्वालिफिकेशन रहेंगे और ऑल्सो डी बार भी नहीं कर रखा मान लो आप रिटायर हो गए तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी तो इनको अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है इसीलिए हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है पावर एंड फंक्शन देखो टेरिटोरियल एरिया डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट डिलिमिशन एक्ट के अंदर ये भाई कौन कौन सी रहेंगी ये सारी की सारी पावर यही रहती हैं ठीक है सिंस 1989 मल्टी मेंबर एंड डी रजिस्ट्रेशन

में आपका डिस्कालीफाई हो रहा है तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर देखता है डायरेक्टली चाहे वो स्पीकर हो या फिर चेयरमैन हो पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई लेना देना नहीं होता अब मुझे ये बताइए कि जो शेड्यूल है वो आपका कौन से अमेंडमेंट से लाया गया था और जो सेकंड अमेंडमेंट है वो कौन सा इससे रिलेटेड है ठीक है पीरियड ऑफ इमरजेंसी में जो हमारी एक कंडीशन नहीं आती है अगर एक साल से ज्यादा आपको स्टेट इमरजेंसी बढ़ानी है तो भी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइस लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है तो हम इसको बढ़ा देते हैं तो इस तरीके से ये हमारा चलता है ठीक है ये सारा का सारा इसको असिस्ट करने के लिए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स भी लगाए जाते हैं स्टेट लेवल पे ये ध्यान रखेंगे सीईओ इलेक्टोरल स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा क्या है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर होता है ठीक है फिफ्टी टू बावन एंड नाइन्टी वन वेरी गुड ठीक है अब नेक्स्ट हमारा है नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन बी कीपिंग सेंटर देखो हनी वगैरह के लिए काफी काम किया जा रहा था हल्का फुल्का दो तीन इन्फॉर्मेशन इससे लेनी है ज्यादा कुछ नहीं नेशनल बी बोर्ड इसने ऑर्गेनाइज कराया है नेशनल कॉन्फ्रेंस इन विद नाफेड एंड स्वीट याद रखेंगे हनी बी से रिगार्डिंग स्वीट रिवोल्यूशन नेशनल बी बोर्ड थोड़ा सा देख लेते हैं देखो 2005 से ही बी कीपिंग को इंक्लूड किया गया है सप्लीमेंट्री एक्टिविटी इन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन क्योंकि हम डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं ना तो हॉर्टिकल्चर में इन्होंने इंक्लूड किया है क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन वगैरह प्रमोट करता है तो पोलिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बट आजकल क्या हो गया कि विदाउट पोलिनेशन भी आपके उग जाते हैं और वो सो, वो सब सब तो थोड़ा सा गड़बड़ भी है इसको दो में रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था कोई बात नहीं ना नाफेड नाफेड के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ठीक है दो अक्टूबर 1958 को नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट किया गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ये रजिस्टर है बेसिकली कोऑपरेटिव मार्केटिंग मार्केटिंग को प्रमोट कोऑपरेटिव तरीके से फार्मर्स के लिए ठीक है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रमोट करना चाहता है अलग-अलग इसने जैसे 65 क्लस्टर एफपीओस वगैरह बी कीपिंग सेक्टर में बनाए हैं हल्का-फुल्का ज्यादा कुछ ठीक है, है ऐसे ही नेशनल बी कीपिंग मिशन के बारे में अगर अपन देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020-21 से लेकर 22-23 तक ये हमारा मिशन जो है इंक्लूड किया था इसी साल के कंटेक्स में और इसमें आत्मनिर्भर भारत जो हमारी स्कीम है उसमें ने ले लिया कि सेल्फ रिलायंट बनाना है ठीक है ठीक मधु क्रांति और स्वीट रेवोल्यूशन दो टर्म याद रखनी है डायरेक्टली इसी से लिंक्ड है है ठीक नेक्स्ट इज कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया तो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन एक आपका ऑफिस है सबोर्डिनेट ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल इन्होंने एक फ्लैगिप कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया रिलीज करी है इसमें ज्यादा आपने काम की है नहीं ठीक है आप ध्यान क्या रखेंगे इसने देखो इन्फॉर्मेशन तो बारे में थोड़ा सा कई बार हल्का फुल्का सा चांस हो जाता है कि थोड़ा सा अंदर जाके ये डीप डाइव कर लेते हैं कि इसके बारे में बताओ तो 1916 में हमारा सौ हुआ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफिस इन इंडियन कोल सेक्टर

कर्मयोगी क्योंकि डायरेक्टली सिंगल लाइनर आपसे पूछे जाने की संभावना है कि कर्मयोगी मिशन किसके कंटेक्स में ये उसी में ही इन्होंने इसको लॉन्च किया है फूड प्रोसेसिंग वाले को देखो फूड प्रोसेसिंग में सारा यही रहेगा ऑब्जेक्टिव है टू अनेबल एम्प्लॉय टू बी मोर क्रिएटिव प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी ड्रीवन सिटीजन सेंट्रिक इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर तो काम का क्या है मिशन कर्मयोगी ये है बेसिकली इट इज अ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग ठीक है ये हमें ध्यान रखना है तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमारा मेजरली ये रहता है कि सिविल सर्विसेज के लिए ताकि उनको और बेटर अपना बनाया जा सके सेंट्रल टू द प्रोग्राम इज दैट अ अ फिट फॉर गवर्नमेंट रिक्वायर्स रिकोगवायर्सि ड्रिविंग कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच जो कि फोकस करती ऑन क्रिटिकल टू द डिस्चार्ज ऑफ इट्स रोल तो इनको अच्छे से सिखाया जाए कैपेसिटी बिल्ड करी जाए ताकि अपने रोल्स को अच्छे से फुलफिल कर सकें <laughs> तो विद इन द फ्रेमवर्क रहते ये करेंगे आई जियोटी कर्मयोगी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ठीक है इट विल अनेबल ऑनलाइन फेस टू फेस ब्लैंडिंग ब्लैंडेड लर्निंग ठीक है विल मैनेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग रिकॉर्ड द ऑफिशियल कब कौन सी ट्रेनिंग हुई क्या सीखा सारे की सारे इंफॉर्मेशन इसके थ्रू हो जाएगी ठीक है आई कर्मयोगी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया और कर्मयोगी तो शेयर किया जाता है ओनरशिप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉज को ही मेजरली जो सिविल सर्वेंट अपने वहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं उन्हीं को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इसको मैनेज करता है ठीक है नेक्स्ट इज हमारा प्रेजिडेंट एड्रेस ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अब स्टेटिंग में हमें पता होना चाहिए ज्वाइंट सिटिंग कब हमारी आती है सेकंड हमें पता होना चाहिए कौन सी मेजोरिटी से आपका पास करी जाती है पहली चीज देखो आर्टिकल 87 ठीक है प्रोवाइड्स टू इंस्टेंसेस जब आप जॉइंट सिटिंग कर सकते हैं ऑफ बोथ द हाउसेस ठीक है पहला तो एट द बिगनिंग ऑफ जो आपका जनरल इलेक्शन ईयर होता है तो वहां पे लोकसभा राज्यसभा सबारा आपकी बैठ सकती हैं आराम से ठीक है तो रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ऑल्सो जैसे बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर में भी तो यहाँ पे प्रेजिडेंट की स्पीच जो है वो आपके दी जाती है वो बताता है कि गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज हैं ठीक है फिर प्रेजिडेंट एक मोशन ऑफ थैंक्स भी देता है गवर्नमेंट को कि हाँ भाई ठीक है है एंड मेन पॉइंट इज इसको पास होना मैंडेटरी अगर आपका मोशन ऑफ थैंक्स जो हर फाइनेंशियल ईयर में मतलब हर फर्स्ट सेशन में दिया जाता है अगर वो पास नहीं होता तो आपकी गवर्नमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाएगी ठीक है ऑटोमेटिकली ध्यान रखना है इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने की आवश्यकता नहीं होती तो वो मोशन ऑफ थैंक्स

ठीक है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब इनको भी रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा दिया जाता है बटा बटा, 1992, ध्यान 1990, आ, एक्ट 19th, सा, कोई काम की चीज मिलेगी तो अपन देखेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दिस रिपोर्ट कवर कि भाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आपकी किस तरीके से जाएगी 2016 से लेके 26 के बीच में तो इसके की प्रोजेक्शंस जैसे कि हेल्प करेंगी डिमांड के हिसाब से कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं हैं स्टेट तो वो किस हिसाब से अपना प्रोडक्शन uh, डिस्ट्रीब्यूशन करें ठीक करें, है द रिपोर्ट हैज बीन आउट बाय है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हमें सीई के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए ठीक है, है? इसमें देखो कवरेज जो है ईयर दो हजार इकतीस बत्तीस तक का भी इन्होंने रखा है पॉइंट इज वट इज सी सी एज ए स्ट्री बॉडी पॉइंट नंबर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नाइन बाद में इसको रिप्लेस किया गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 थ्री याद रखना है सेकंड थर्ड चीज एक अटैच्ड ऑफिस ही आपका है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर एक दो तीन ठीक है तो ये तीन चीज याद रखनी है बॉडी 2003 का एक्ट अटैच्ड ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ पावर ठीक है तो चेयरमैन होता है सेक्रेटरी और ये सब सब चलो चलेगा कोई बात नहीं और ये प्रिपेयर करता है आपका नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान इन अकॉर्डेंस विद नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी और नोटिफाई करता है हर पांच साल में है? ये आपको तो इंपॉर्टेंटली याद रखनी सी ए दैट्स इट तो ये हमारा हो जाएगा ठीक है तो so, पॉलिटी हमारा हो गया है कल हम करेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी ठीक है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुरुग्राम वेरी गुड नरेंद्र, ठीक है ध्यान रखिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन नाउ वी विल मीट टुमारो मॉर्निंग कल सुबह सुबह मिलेंगे सिक्स ओ ठीक है अब हाई टाइम आ गया है ठीक है बहुत ही कि अब अपना पूरा का पूरा फोकस फरवरी <laughs> मार्च अप्रैल मई ट्वेंटी अप्रोक्सीमेटली फोर मंथ्स हमारे हैं मेरे हिसाब से थ्री टू फोर मंथ्स हमें कंप्लीटली फोकस करना चाहिए हंड्रेड डेज के आसपास प्री पे ही जितना पढ़ लिया पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा टाइम डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन आप ऑप्शनल uh, के लिए रख सकते हैं अभी भी टू आवर्स टू थ्री आवर्स अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन में है तो ठीक है अदरवाइज गो फॉर कंप्लीट आपका प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन ठीक है मेजरली सारा रिविजन स्टार्ट आई काफी चीजें हो जाती है रिवाइज करने के लिए ठीक है प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करने एस सीरीज वगैरह वो सब तो चलो कल मिलेंगे एंड हैव अ गुड डे आराम से अच्छे से पढ़ाई करो गुड बाय टेक केयर